Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है ओप्पो का रेनो 8 और आपको इस फोन में स्क्रीन शॉट बनाना है तो मैं फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ आप इस फोन में किस तरह से स्क्रीन शॉट को ले सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आप एक नहीं साथ अलग अलग तरीके से स्क्रीन शॉट को ले पाते हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए क्योंकि स्क्रीन शॉट के बहुत अमेजिंग फीचर भी आपको इस फोन में देखने को मिलेंगे। इस फोन में लॉन्ग स्क्रीन शॉट, क्रॉप स्क्रीन शॉट जैसे आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो वॉल्यूम डाउन बटन रहता है इसको साथ में जो आपका पावर बटन रहेगा दोनों को एक साथ प्रेस कराने पर आप स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट आ चुका है। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थ्री फिंगर लीजिए, स्क्रीन पर इस तरह से डाउन कीजिए तब भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको जाना होता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में और वहां जाके नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक करना होगा। यहां स्क्रॉल देखने को मिलेगा, यहां क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। चाहे तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितना लॉन्ग करना है इस तरह से इसको स्क्रॉल कराइए तो ये आपका लॉन्ग हो जाता है। यहां डन कर देंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। इस आइकन पर क्लिक कीजिए तो इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपको इस फोन में चाहिए क्रॉप स्क्रीन शॉट तो आप वो भी ले पाएंगे। उसके लिए आपको थ्री फिंगर स्क्रीन पर इस तरह से होल्ड रखना होंगे तो इस तरह से आपके सामने एक ऑप्शन आएगा तो आप इस तरह से क्रॉप स्क्रीन शॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें लिखना चाहें तो इस मेकअप पर क्लिक करके आप कुछ लिख सकते हैं, इस तरह से डिज़ाइन दिखा सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पर एडिट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सेव करना तो इस आइकन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। इस फोन में थ्री फिंगर से आप गोल टाइप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, लेस स्क्रीन शॉट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको थ्री फिंगर होल्ड रखना है और आपके सामने देख सकें नीचे कुछ और भी ऑप्शन खुल जाते हैं जैसे कि गोल टाइप। इस पर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से गोल टाइप स्क्रीन शॉट को बना सकते हैं। इसके बराबर में आपको एक और ऑप्शन है जैसे कि ये, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आप स्क्रीन को इस तरह से सेलेक्ट करके भी स्क्रीन शॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन फीचरों का यूज करके स्क्रीन शॉट को बना सकते हैं। इस फोन में आपका जो कंट्रोल सेंटर रहेगा इसको इस तरह से डाउन कीजिए, स्क्रीन शॉट देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके भी स्क्रीन शॉट को ले लीजिए। आपका स्मार्ट स्लाइड बार रहता है इसको इस तरह से ओपन कीजिए, यहाँ पर भी स्क्रीन शॉट का एक ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ क्लिक करके भी स्क्रीन शॉट को आप बना सकते हैं। तो इन फीचरों का यूज करके इस फोन में बहुत आसानी से आप स्क्रीन शॉट को ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। फिर से लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।